आने वाले दुर्गा पूजा की जो तैयारी है, 3D फोम की जो तैयारी है वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। ये वही कलाकृति है जो कुछ ही दिनों में पंडाल में सजेगी। कस्टमर तो पूरा छत्तीसगढ़ से आता है। कब से आप इस कलाकृति से जुड़े होंगे सर, क्योंकि ये 3D कलाकृति है, तो ये छत्तीसगढ़ में पहला ये शॉप होगा जहाँ पे इस प्रकार की कलाकृति जो है 3D फोम में की जाती है। मैं चाकू से काट काट के मतलब उसका 3D 4D जो है उसे बनाना पड़ता है। ये जो फोम है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है। जो ड्रोन वाले हनुमान जी के नाम से काफी फेमस हुए थे, जिसकी जो सजावट है और बनावट बोल सकते हैं वो काशी जी के द्वारा की गई थी। आपने विभिन्न प्रकार की कलाकृति देखी होगी, लेकिन 3D फोम कलाकृति शायद आपने देखा होगा और आपने पहचाना भी होगा, लेकिन आज आप उसको करीब से जानेंगे भी। इस वक्त हम मौजूद है सुपेला में जहाँ पर काशी फोम शॉप में जो है 3D डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिनों में गणेश जी जो है विराज के जा चुके हैं और कुछ ही दिनों में जो है दुर्गा पंडाल सजने वाला है, माता रानी के लिए तैयार होने वाला है। जिस पंडाल में अगर डेकोरेशन की हम बात करें तो आकर्षित का केंद्र जो होता है वहाँ के पंडाल होते हैं, जिसमें पंडाल में फोम का उपयोग किया जाता है। और अभी अगर हम बातचीत करें तो 3D फोम का उसमें काफ़ी उपयोग किया जाता है। इस वक्त इसी काशी 3D फोम में हम मौजूद हैं जहाँ पर आने वाले दुर्गा पूजा की जो तैयारी है, 3D फोम की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और अगर मैं बात करूँ इस 3D फोम की, तो ये छत्तीसगढ़ में पहला ये शॉप होगा जहाँ पर इस प्रकार की कलाकृति जो है 3D फोम में की जाती है, जो पंडाल की सात सब्जेक्ट में लगाई जाती है। काशी जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो लगातार 10 वर्षों से इस 3D फोम की जो तैयारी है, जो पंडालों में लगता है, शादियों में लगता है, एवं गणेश पूजा जब होती है तब इसका जो डेकोरेशन के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। मेरे पीछे आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि तमाम जो चीज़ें काशी जी के द्वारा काटी जा रही हैं, ये वही कलाकृति है जो कुछ ही दिनों में पंडाल में सजेगी 3D फोम के साथ में। और आपको एक रियलिस्टिक जो आप पंडाल में देखते हैं, बिल्कुल रियल मायने वाला दृश्य, वो आपको देखने को मिलेगा। काशी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। काशी जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कब से वो इस कार्य में है और किस प्रकार का कार्य उनका ये है और कैसी मेहनत इसके पीछे लगती है। जी काशी जी, सबसे पहले आप ये 3D फोम जो पूरे छत्तीसगढ़ में अनोखा है और सिर्फ यहीं पे भिलाई के सुपेला काशी फोम में बनाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है और कब से आप इसकी कलाकृति करते हैं? मेहनत तो है, बहुत ही है। हम लोग को सीजन में रात दिन मेहनत करना पड़ता है कि सीजन वाला काम है और कस्टमर तो पूरा छत्तीसगढ़ से आता है। कब से आप इस कलाकृति से जुड़े होंगे सर, क्योंकि ये 3D कलाकृति है, ये बहुत कम अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, कब से आप ये बना रहे हैं? मैं तो कम 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से कर रहे हैं। कहाँ तक जाता है आपका ये पूरा ऑर्डर, कहाँ कहाँ से आप आता है? महाराष्ट्र भी जाता है, उड़ीसा भी जाता है, यही दुकान से ही माल जाता है। यही दुकान से जाता है, मतलब ऐसे जाता है, सिर्फ भिलाई में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, और इवन बोल सकते हैं जैसे कि आपने बोला महाराष्ट्र में भी जाता है, मतलब अपने राज्य से बाहर भी जो है ये कलाकृति जाती है। सर कितनी मेहनत लगती होगी इसको बनने में, कितने दिन लगते होंगे? कि जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आने को है और दुर्गा पूजा आने में अभी 15 ही दिन बचा है, और आपकी तैयारी कब से चालू हो जाती है? मेरा तो इसके पहले गणेश पूजा था, गणेश पूजा ख़त्म होती फिर दुर्गा पूजा का चालू हो गया। हम लोग का काम कंटिन्यू, सवेरे 7 बजे दुकान खुलता है, सवेरे से 12-1 बजे तक रात तक काम चलता है। स्पेशल किन पूजाओं के लिए इसका, मतलब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आते होंगे भैया? नहीं, बाकी सीजन में भी आता है लेकिन इतना नहीं आता, कम आता है। कम आता है जो शादी स्टेज डेकोरेशन है ये सब के लिए, कोई मंदिर का बहुत सारा प्रोग्राम रहता है इसमें, अभी ये डिजाइन यूज होता है और सब मेरा पास ही आता है। जितना टेंट वाला सबको पता है मेरा दुकान। भैया कैसे बनता है ये 3D, किस प्रकार से इसकी जो है कटिंग हुई जाती है, क्या इसमें मतलब जैसे कि अभी मैं देख सक रही हूँ कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी काफ़ी अलग होते हैं, क्या कुछ होता है भैया इसका अलग, कैसे ये काटे जाते हैं, क्या कुछ होता है? नहीं, ये तो मशीन से भी आजकल काटता है लेकिन हम लोग मशीन से नहीं काटता हूँ, चाकू से ही काटता हूँ।
तो ये 3D किस प्रकार से कटी होगी, मतलब ये अभी तो सिंपल कटा हुआ है, फिर ये 3D कैसे सिंपल कटिंग, सिंपल कटिंग के बाद फिर वो 3D कटिंग होता है। और मोटे में कोई शेप देना है 3D 4D में, तो जोर जोर के मोटा बना के उसमें चाकू से काट काट के, मतलब उसका 3D 4D जो है वो सब बनाना पड़ता है। अभी जैसे कि अभी आप इसको पूरे लेयर्स में काट रहे होंगे, कम से कम 3 से 4 फॉर्म होंगे, उसके बाद जब इसको आप 3D के शेप में जब काटेंगे तब इसको अलग अलग काटते हैं कि यहीं से ही ये कटिंग हो जाए? नहीं, वो सिंगल सिंगल काटना पड़ेगा। सिंगल मतलब पर्टिकुलर एक पूरे डिजाइन को आपको समय देना पड़ता है? हाँ हाँ, एक एक उसमें समय ज़्यादा लगता है। और क्या कुछ खास इस काशी फोम से आपके बन के निकला होगा, क्योंकि मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि ना ही केवल पंडालों के लिए बाकी अलग अलग कुछ झांकियों के लिए भी आप इस तैयार करते हैं कुछ चीज़ें अलग, यूनिक यूनिक क्या कुछ रहता है? झांकी का भी रहता है, झांकी का भी लोग ले जाता है, DJ वाला भी ले जाता है। अभी एक गाड़ी से मतलब सजावट वाला एक मंदिर वंदिर बनेगा और पंचमी भी ले जाएगा, पंचमी में लेके जाएंगे। भैया ना केवल पंडालों की जो डेकोरेशन होती हैं उसे बनाते हैं, बल्कि अन्य भी चीज़ें ऐसी हैं जो झांकियों के तौर पर कभी आप देखते होंगे, जब कोई झांकी देखने जाते होंगे उसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब थर्माकोल पूरी तरीके से बैन हो चुका है, अब फोम ये जो है, आप ये फोम देख रहे हैं, ये एक खास बात इसकी एक ये भी है कि ये जो फोम है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है, तमाम चीज़ें वापस फैक्ट्री में जाती है, रिसाइकल हो जाती है, मतलब ऐसे वेस्ट वाली चीज़ें ये बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए इसे इको फ्रेंडली भी बोलूँगी। भैया एक चीज़ और, जो हनुमान जी जो है दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं हनुमान जी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आपने तमाम रील्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक वायरल हनुमान जी को देखा होगा, ड्रोन वाले हनुमान जी को, जो भैया के द्वारा बनाया गया था। भैया कितने समय लगे थे ये ड्रोन वाले हनुमान जी को बनाने में? उसको बनाने में 2 दिन लगा था। कहाँ से आया था भैया इसका ऑर्डर? ये तो भिलाई का है, मेरा एक भाई टाइप का है वो, हाँ। वो बना के ले जाता है, वो मेरा बहुत दिन का पुराना कस्टमर है, वो जो भी चीज़ जरूरत पड़ता है मेरे से बना के ले जाता है। मतलब सीधी तौर पे अगर मैं बातचीत कहूँ तो ना ही केवल साज सज्जट की चीज़ें बल्कि और भी जो क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो काशी जी आपको यहाँ से क्रिएटिविटी अच्छे से अच्छा यहाँ से निकाल कर देते हैं। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा के बाद फिर दिवाली का काम आ जाता है, उसके बाद स्कूल कॉलेज का मॉडल वॉडल चालू हो जाता है, सब इसी से बनता है। मतलब आपको तमाम मॉडल्स वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं? कोई भी मॉडल नहीं छूटता है मेरे से, अगर मैं भिलाई में रहता हूँ, गांव जाता हूँ एक बार साल में। आप है कहाँ? आप जैसे कि सुनने में आया है कि आप यहाँ से नहीं, आप स्पेशली यहाँ पे आए? बंगाल का हूँ लेकिन मैं हूँ यहाँ से, 17-18 साल हो गया है काम करते करते यहीं पे, 18 साल जी। तो ये थे हमारे साथ में काशी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये कलाकृति होती है, कितना समय लगता है और काफ़ी इको फ्रेंडली ये जो फोम होता है वो होता है। पर मैं एक बार इस दुकान का मैं दृश्य आपको पूरा घुमाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार की 3D जो कटिंग है वो भैया के द्वारा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये वही, ये जो मोर आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से 3D फॉर्म में बनाया गया है, इसे एक एक जो इसकी जो गहराई है, बारीकी है, उसे जो है भैया के द्वारा तराशा गया है और कुछ ही दिनों बाद दुर्गा पंडाल में सजने को ये पूरी तरीके से तैयार है। और जिस हनुमान जी की मैं बात कर रही थी वो यही हनुमान जी हैं जो ड्रोन वाले हनुमान जी के नाम से काफ़ी फेमस हुए थे, जिसकी जो सजावट है और बनावट बोल सकते हैं वो काशी जी के द्वारा की गई थी। अभी लगातार दिवाली एवं दुर्गा पूजा की तैयारी इस दुकान में चल रही है, हमने दिखाया कि कैसे जो है 3D फोम जो है तैयार किया जाता है। ये वही जगह है जहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ में 3D फोम यहाँ से ऑर्डर किया जाता है और पंडालों को सजाया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो 3D की कलाकृति है वो की जाती है, पर मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। सबसे पहले इस डैशबोर्ड पे इसकी जो है कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद में, रफ कटिंग के बाद में ये काशी भैया के पास जाती है, जहाँ पर काशी भैया जो है इसकी 3D कटिंग करते हैं। और 3D कटिंग के बाद में इसका अगर तीसरा और आखिरी स्टेज बोलूँगी तो वो
है पेंटिंग की जाती है, उसके बाद में जो ये फोम है वो पूरी तरीके से तैयार होता है उस पंडाल की साज सज्जा के लिए, और लगातार इसकी जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ से काशी भैया के पास आती है। अगर आपको भी इस प्रकार की डेकोरेशन की ऑर्डर अगर देनी है तो काशी भैया को सुपेला के इस दुकान पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काशी भैया आकर आपके लिए मन चाह जिस प्रकार से आप चाहते हैं वो आपको बनाकर दे देंगे। हम आपको लगातार केपी न्यूज़ के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं, और अन्य खबरें और अच्छी स्टोरी के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।